रोमन नंबर आज हम सीखेंगे रोमन सिंबल और उनकी वैल्यूज़ जैसे आई के लिए आई सिंबल जो होता है उसकी वैल्यू वन होती है वी फाइव के लिए यूज़ होता है एक्स टेन के लिए यूज़ होता है एल फिफ्टी के लिए यूज़ होता है सी हंड्रेड के लिए यूज़ होता है डी फाइव हंड्रेड के लिए और एम थाउजेंड के लिए एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको जिसपे मैंने हाईलाइट किया हुआ जैसे आई एक्स सी और एम ये सब रिपीट हो सकते हैं लेकिन वी एल और डी कभी रिपीट नहीं होता और रिपीट भी थ्री टाइम्स हो सकते हैं उससे ज़्यादा बार नहीं प्रॉपर्टी सीखेंगे हम रोमन नंबर की रोमन नंबर में कभी भी जीरो के लिए सिंबल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि जब रोमन सिस्टम बना था तब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था इसलिए जीरो का उसके अंदर कोई सिंबल नहीं होता सेकंड जो मैंने आपको पहले बताया कि वी एल और डी जो है वो कभी रिपीट नहीं होते आई एक्स और सी एम वो रिपीट हो सकते हैं वो भी मोस्टली थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स से ऊपर रिपीट नहीं हो सकते जैसे हमें थर्टी लिखना है तो हम थ्री टाइम्स एक्स लिखेंगे तो थर्टी लेकिन अगर हमें फोर्टी लिखना है तो हम थ्री बार एक्स फोर बार एक्स नहीं लिखेंगे नेक्स्ट है सिंबल आई कैन बी सब्ट फ्रॉम फाइव एंड एक्स ओनली वंस जो वन है आई का सिंबल है जो वो फाइव और टेन के सिंबल से सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है और वी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता रूल्स ऑफ रोमन नंबर रोमन नंबर का रूल वन क्या है रिपीटिशन ऑफ आई एंड एक्स मीन्स एडिशन जब भी आई और एक्स का रिपीटिशन होगा तो उसका मतलब है कि आप प्लस कर रहे हैं उनको जैसे डबल आई लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया वन प्लस वन टू दो बार एक्स लिखेंगे तो उसका मतलब हो गया ट्वेंटी थ्री बार आई लिखेंगे तो थ्री थ्री तीन बार एक्स 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 लिखेंगे तो टेन प्लस टेन प्लस टेन थर्टी रूल नंबर टू जब भी कोई बड़े सिंबल के राइट हैंड साइड में छोटा सिंबल लिखा जाएगा तो उसका मतलब प्लस होगा एडिशन करेंगे वेन अ स्मॉलर सिंबल इज़ प्लेसड ऑन द राइट साइड ऑफ अ ग्रेटर सिंबल दैन द वैल्यू ऑफ़ स्मॉलर सिंबल प्लेसड ऑन द राइट साइड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं हम जैसे फाइव और वन फाइव के राइट हैंड साइड पे आया है तो ये रिपीट होके सिक्स हो जाएगा वाइव फाइव प्लस वन एडिशन हो जाएगा सिक्स फाइव के बाद थ्री टाइम्स आई है फाइव वन 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 फाइव प्लस वन प्लस वन प्लस वन इज़ इक्वल टू एट इसी तरह से एक्स के बाद जो राइट हैंड साइड पे स्मॉलर नंबर है वो भी प्लस हो जाएंगे रूल नंबर थ्री जब कोई भी स्मॉलर सिंबल किसी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में होता है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है वैन अ स्मॉलर सिंबल इज़ प्लेसड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ ग्रेटर सिम्बल देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर सिम्बल प्लेसड ऑन द लेफ्ट साइड इज सब्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिम्बल एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से फाइव ग्रेटर सिंबल है और आई स्मॉलर सिंबल है अगर ये इसके लेफ्ट में चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा फाइव माइनस वन इज़ इक्वल टू फोर इसी तरह से एक्स ग्रेटर सिंबल है और आई स्मॉलर सिंबल है तो ये इसमें माइनस हो जाएगा नाइन बन जाएगा पहले मैंने सिखाया था रूल टू में कि अगर राइट हैंड साइड पे आ जाता है तो प्लस हो जाता है और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा रूल नंबर फोर वेना सिम्बल इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन द टू ग्रेटर सिम्बल एंड इट्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्राम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिम्बल दैट इज़ ऑन इट्स राइट साइड जब भी कोई सिम्बल दो ग्रेटर सिम्बल के बीच में होता है तो जो राइट हैंड साइड वाला सिम्बल होता है वो उसमें से माइनस हो जाता है जैसे टेन वन और फाइव अब ये फाइव में से वन माइनस कर देंगे टेन प्लस फाइव माइनस वन इज इक्वल टू टेन प्लस फोर इज इक्वल टू फोर्टीन इसी तरह से एक और एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ मैं जैसे टेन आई एक्स है टेन को ऐसे ही लिखेंगे और टेन में से वन माइनस हो जाएगा और ये नाइन बन जाएगा टेन प्लस नाइन इज़ इक्ल टू नाइनटीन इसी तरीके से ये जैसे डबल एक्स लिखा है तो डबल एक्स का मतलब क्या हो गया दो बार रिपीटिशन है ट्वेंटी और इसमें फाइव में से वन माइनस कर देंगे और ये फोर ट्वेंटी फोर इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ टेन टेन ट्वेंटी और टेन में से वन माइनस हो जाएगा नाइन इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन